हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि स्पेशल रेसिपी। ये एक स्मूदी की रेसिपी है जिसे आप नवरात्रि फास्टिंग के टाइम पे अपने डाइट में इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर आप फास्ट नहीं कर रहे हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है, हाई इन प्रोटीन्स है, तो ज़रूर आप इसे ट्राई करिएगा। इस स्मूदी को बनाने के लिए हमें चाहिए एक बनाना, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो अंजीर। साथ में मैंने यहाँ पर 150 ml का दूध लिया हुआ है, और अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये है अमरंथ सीड, या फिर हम इसे राजगिरा के सीड्स भी कहते हैं। राजगिरा, ये पफ्ड राजगिरा है, सो मैंने मार्केट से पफ्ड राजगिरा खरीदा नहीं है। मैंने राजगिरा का सीड का पैकेट इस तरीके से घर पे लेके आई हूँ, क्योंकि इससे हम कई सारे फास्टिंग के रेसिपीज़ बना सकते हैं। पफ्ड राजगिरा बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको एक डीप कढ़ाई चाहिए जिसे आपको बहुत अच्छे से गरम करना है। इसके बाद फ्लेम आपको मीडियम टू हाई में रखकर थोड़ा थोड़ा करके इसमें राजगिरा ऐड करना है, और आपको इसे पफ करना है। आप उसे चम्मच को अच्छे से चलाते रहेंगे ना, तो देखेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो राजगिरा के सीड है ये इस तरीके से पफ्ड होने लगेंगे। इसके बाद जो पफ्ड हुआ राजगिरा है इसे आपको एक बड़ी छलनी में छान लेना है, तो इससे जो भी अनपफ्ड हुए राजगिरा रहेंगे वो नीचे गिर जाएंगे और जो पफ्ड वाले राजगिरा है वो ऊपर रह जाएंगे। पफ करके रखेंगे तो आप उसको दूध में डाल के ले सकते हैं या फिर दही में भी डाल के ले सकते हैं। बहुत सारी आप उसके थ्रू रेसिपीज भी बना सकते हैं। अभी आपको करना क्या है कि ये सारे इंग्रेडिएंट को अपने जो जूसर जार है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर मिक्सर जार में ऐड कर लीजिए और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। आपकी एक हेल्दी हाई प्रोटीन जो व्रत वाली स्मूदी है ये बनकर रेडी है। बहुत ही टेस्टी रहती है, आप पियेंगे तो आपको अच्छी एनर्जी भी मिलेगी, काफ़ी देर तक आपको भूख भी नहीं लगेगा। आप इस स्मूदी को ईजिली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। इस सिंगल ग्लास में हमें कैलोरीज 233 कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन 6.7 ग्राम्स मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 34.47 ग्राम्स है, फैट 7.26 ग्राम्स है, और फाइबर इसमें 2.61 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर करिएगा। हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।